हे गाइस, ये है मेरे पास टेक्सोस अल्ट्रापोर्ट ईयरबड्स जो कि ब्लैक कलर बिल्ड के अंदर आता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको मैंने परचेस किया है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले। तो इसके अंदर मुझे मतलब डिफरेंस ये देखने को मिला कि मतलब एक वेबसाइट पे 30 आवर्स का बैटरी लाइफ दिखा रहा है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर 10 घंटे की बैटरी टाइम दिखा रहा है। बाकी ये थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे, इसके अंदर डिस्प्ले वगैरह है। शुरुआत करते हैं बॉक्स से, जहाँ पर ऊपर टेक्सोस का एक स्टिकर लगा हुआ है एंड यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मेंशन है आगे और पीछे, बट इसमें से बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं, बस खाली ऐसे ही ब्रांडिंग के लिए लगा हुए हैं। मैं इसको पेयर किया तो उस टाइम जो है यहाँ पर पेयर्ड या फिर कनेक्ट नहीं बोलकर चाइनीज में कुछ बोला, मींस इसका मतलब जो है कंप्लीटली मेड इन चाइना है। इसके ऊपर मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है। बॉक्स के अंदर एक थैंक यू लेटर। वेल गाइस, ये है हमारे ईयरफोन्स। यहाँ पर ये दो ब्लैक कलर की ईयरबड्स हैं। बात करें केस की तो पूरी व्हाइट प्लास्टिक का केस है, जहाँ पर नीचे हमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर एक एलईडी है और यहाँ पर एक डिस्प्ले है। तो वेल गाइस, जैसे ही मैंने ईयरबड्स लगाए तो ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। कितना परसेंट हमारा केस चार्ज है, 73% उसका भी इंडिकेशन है इस डिस्प्ले पे। वेल, बहुत ही लाइट वेट है, पर लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर की हाई क्वालिटी बेस मिलने वाला है। बट जब इनको मैंने रियल में टेस्ट किया, कुछ एक दो दिन तक टेस्ट किया, जरा ही मुझे मतलब बेस देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। पूरा के पूरा जो यहाँ पर साउंड एकदम लो क्वालिटी है। यहाँ पर मतलब जो एक वेबसाइट इसको मैंने परचेस किया है 549 रुपीज में, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये शायद 399 का मिल रहा है। बहुत माइनर डिफरेंस है प्राइस का, बट जो एक अननोन वेबसाइट है जहां पर कहता है कि ये 30 आवर्स का प्ले टाइम देगा और जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर कहता है कि 10 आवर्स का प्ले टाइम देगा, मतलब ये बहुत डिफरेंस है। एंड अननोन वेबसाइट जहां से इसको मैंने परचेस किया है रिफंडेबल नहीं है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने 6 महीने की वारंटी भी दे रखी है और शायद ये रिफंडेबल भी है, और यहां पर ये लोग कस्टमर केयर सपोर्ट भी देते हैं, हालांकि मैंने टेस्ट किया नहीं है। बाकी ये कंप्लीटली मेड इन चाइना प्रोडक्ट है एंड मुझे तो मतलब ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं लगा, बट इस प्राइस में मतलब हम जो है मेड इन इंडिया और ऐसे बहुत सारे और भी मतलब ईयरबड्स हम चेकआउट कर सकते हैं। केस के अंदर कुछ हमें मतलब 350-340 mAh की बैटरी मिल जाती है, और जो ईयरबड्स है उसके अंदर 30 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो ईयरबड्स जो है कंटिन्यूसली मतलब 3-4 घंटे एक बार चार्ज करने के बाद कंटिन्यूसली चल सकते हैं, और केस अगर जो हम एक बार फुल चार्ज करें तो 3 बार करीबन जो है इन ईयरबड्स को चार्ज कर लेंगे तो 10 घंटे का मतलब हमें अप्रोक्स जो है यहाँ पर बैटरी लाइफ मिल जाएगा। एंड गाइस, मैंने एक और चीज चेक की, यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन लिखा हुआ है, यानी ENC एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, बट उसको मैंने चेक किया तो वो भी यहाँ पर नहीं है, मतलब जो है बाहर का साउंड आता है। हाँ, मतलब इसको मैं कान में फिट करके थोड़ा रनिंग वगैरह किया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, मैंने जंप वम्प भी किया, तो मतलब ये कंफर्टेबल है, कान के अंदर पेन नहीं करते हैं और अच्छे से मतलब फिट होते हैं। एंड गाइस, सिंगल टाइम 30-40 मिनट्स चार्ज करने के बाद ये कंप्लीटली केस पूरा चार्ज हो जाता है। और बात करें अगर इनके ड्राइवर्स की तो 13 mm के ड्राइवर मिलते हैं, ड्राइवर थोड़े से बड़े हैं। एंड पीछे यहाँ पर जो है रेड और ब्लू LEDs ब्लिंक करती रहती है, आपको मतलब चल जाएगा पता कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक पेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हम ईयरबड्स निकालते हैं तो ऑटोमेटिक पेयर हो जाते हैं, तो अच्छी बात है इसके अंदर। बाकी बात करें ऊपर हमें टच मिलता है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर सिंगल टच करने पर साउंड को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टच करने पर अगर हमारा जो लेटेस्ट लास्ट रिसेंट जो हमारा कॉल में किसी का नंबर है उसको कॉल कर लेगा, और डबल क्लिक पे हम कॉल काट सकते हैं। लॉन्ग प्रेस होल्ड करने पर सीधी या फिर हम जो है गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रेस पे मतलब उसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी गाइस, बॉक्स के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ईयरबड्स नहीं है। हालांकि मुझे एक चार्जिंग केबल मिली है, एक थैंक यू लेटर मिला है, और सिर्फ एक चार्जिंग केस और 2 ईयरबड्स मिले हैं। एंड गाइस, साथ ही जो है ईयरफोन्स वाटर रेजिस्टेंस है, मतलब बॉक्स के ऊपर जो है IPN2/4 की रेटिंग मिली हुई है, और कहीं पे लिखा हुआ IPX वाटर रेजिस्टेंस है, तो मतलब ये भी मतलब मुझे दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। बट इनको मैंने रियल में वाटर के साथ में टेस्ट किया, तो मतलब एक दो बार मैंने इनको पानी में भिगाया पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये पूरे मतलब प्रॉपर काम कर रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर जो है ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कुछ 15 से 20 मीटर तक मतलब जो है वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। वेल दोस्तों, एट द एंड क्या मेरे ओपिनियन आपको बताता हूँ, बाकी मैंने आपको पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू और पूरे ईयरफोन्स के बारे में बताया डिटेल में, क्या ये लोग मेंशन कर रहे हैं बॉक्स पे और वेबसाइट पे और एक अननोन वेबसाइट पे कुछ और मेंशन है, और ये एक्चुअली कुछ और दे रहे हैं, और ये कंप्लीटली मेड इन चाइना है, तो शायद पता नहीं इनका। और जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो मतलब ये चाइनीज में बोल रहा है कुछ, और मतलब कनेक्ट या फिर पेयर्ड ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, मतलब हमें 500-600 के अंदर और बहुत सारे ईयरफोन्स मिल जाते हैं जो मतलब इससे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा बेस और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और एंड गाइस, अगर आपको टेक्सोस के और ही प्रोडक्ट चेकआउट करने हैं, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, नेक बैंड, तो मतलब इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग मतलब और भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उनकी वेबसाइट पे आप जगह चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी बात करो, अगर आपने इसको परचेस किया है तो अगर आप 20 आवर्स तक जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हो, उसके बाद 6 महीने तक आपको 6 महीने तक वारंटी मिलती है। एंड अगर आपको कोई और इश्यू है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। एंड गाइस, एट द एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ईयरबड्स, और मैं आपको रिकमेंड जरा भी नहीं करूंगा कि इसको परचेस करो। एंड दोस्तों, आई विश आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। आप मेरी और भी ढेर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, जहां पर हम टेक को लेकर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैजेट को रिव्यू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर।